आज आशा उषा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों के द्वारा सेतु के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। ये आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आह्वान कर रहे हैं, ये असल में मध्य प्रदेश में अभी 24 जून को भोपाल में एक धरना आंदोलन किया था इन्होंने, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आशाएं इकट्ठी हुई थी, वहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई और उसी दौरान वहां ये जो स्वास्थ्य मिशन के जो बड़े अधिकारी हैं वो अधिकारी वहां पर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि ये आप हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में खत्म करो और ये हड़ताल खत्म करने के पहले हम आपको आश्वासन देते हैं कि तत्काल हम लिखित में वादा करेंगे कि आशाओं के 10,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो इस बात पर एक सहमति हुई थी और जो CITU के नेता है और जो मोर्चा है आशाओं का, उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने ये हमको जो लिखित में आश्वासन नहीं दिया, वो पत्र नहीं दिया, तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो वो हड़ताल भी जारी है, दूसरी तरफ ये तमाम तरीके से प्रपंच रथ के झूठी खबरें प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो गई, हड़ताल आज जारी है। और ये जो आशा ऊषा सहयोगी एकता यूनियन सीटू और मोर्चा ने आह्वान किया है कि 28 तारीख को ये 24 घंटे का धरना आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है और अगर इसके बाद भी ये सरकार नहीं चेती और स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने लिखित में ये अगर ये पत्र नहीं दिया तो इसके बाद 29 तारीख को जो मुख्यमंत्री के गृह जिले हैं सीहोर और एक दूसरा जिला है वहां पदयात्रा शुरू करने का फैसला है। तो आज ये धरना नगर पालिका के सामने आयोजित किया गया था। धरने का मुख्य उद्देश्य था आशा उषा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियों को वेतन न्यूनतम 10,000 रुपए किया जाए। वहीं सीटू के विष्णु शर्मा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने वेतन बढ़ाए जाने के लिए लिखित में पत्र देने को कहा था लेकिन अभी तक पत्र नहीं दिया गया है, इसी के विरोध में हड़ताल जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इसी मौके पर बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगियां उपस्थित रहीं। गुना से डंपी खान की रिपोर्ट।